रीवा बाल सुधार गृह से भागे 5 अपचारी बालक सुहागी पुलिस ने पकड़े। भागने के 24 घंटे के अंदर ही 5 बाल अपचारी पकड़े गए। रीवा के बाल सुरक्षा गृह के किचन की खिड़की तोड़कर हुए थे फरार। रीवा बाल सुधार गृह से भागे 5 अपचारी बालक सुहागी पुलिस ने पकड़े। भागने के 24 घंटे के अंदर ही 5 बाल अपचारी पकड़े गए। रीवा के बाल सुधार गृह के किचन की खिड़की तोड़कर हुए थे फरार। कल ही रीवा बाल सुधार गृह से कल भागे 5 अपचारी बालक सुहागी पुलिस ने गिरफ्तार करने में पाई सफलता। हम आपको बता दें, रीवा बाल सुधार गृह से विभिन्न अपराधों में अलग अलग जगह से पकड़ कर लाए गए 5 बालकों ने मौका देखकर बाल सुधार गृह के किचन की खिड़की तोड़कर भागने में पाई थी सफलता। 5 के 5 बालक सुहागी थाने की पुलिस ने पकड़ लिए। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, वह किस तरीके से रीवा के बाल सुधार गृह से फरार हुए थे, किस तरीके से सुहागी थाने तक पहुंचे, हम आपको बता दें। मिली जानकारी के अनुसार 5 लड़कों को पुलिस ने एक मंदिर से सुहागी में बरामद करने में पाई है सफलता। जहां पर इन्होंने रात गुजारी थी, सुबह सवेरे पुलिस ने इनको पकड़ लिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कुछ लड़के मंदिर में देखे गए हैं। पुलिस ने पूछताछ की, 5 के 5 बाल सुधार गृह से भागे हुए आरोपी निकले। पुलिस ने जैसे ही सूचना मिली थी, बाल सुधार गृह से कुछ लड़के भाग गए हैं। पुलिस ने पूरे जिले में चारों तरफ मुखबिर का जाल फैला दिया था, जगह जगह तलाशी अभियान प्रारंभ कर दिया। पुलिस साफ तौर से मान रही थी कि 5 के 5 लड़के एक ही जगह एक ही रास्ते से भागे हुए हैं। जांच में पता चला 5 लोग भागे हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और आज सुबह 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 5 बाल अपचारी पकड़ लिए। इसे पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। बाल अपचारी के भाग जाने से पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया। इस बारे में हमने एडिशनल SP विवेक लाल से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हमने 5 बच्चों को पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। किस तरीके से वह भागे थे, कैसे यहां तक पहुंचे, क्या उन्होंने किसी की मदद ली या फिर वह अपने से भागे, तमाम ऐसे सवाल हैं अब पुलिस खोज रही है। साफ तौर से माना जा सकता है पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। रीवा बाल सुधार गृह से कल भागे 5 अपचारी बालक पकड़कर उसने ये साबित कर दिया कि वो भी कभी कभी तेज गति से कार्रवाई करती है। साफ तौर से माना जा सकता है पुलिस ने 5 बालकों को तत्काल ही पकड़ने में पाई सफलता। 5 बालक अलग अलग अपराधों में अलग अलग इलाके से लाकर रीवा के बाल सुधार गृह में रखे गए। इन 5 बालकों पर काफी गंभीर अपराध में मामले भी दर्ज थे। उसी के चलते 5 बालक रीवा के बाल सुधार गृह में रखे गए थे। यहां पर निगरानी में रखे गए थे, सुरक्षा गार्ड भी तैनात थे, लेकिन 5 के 5 बालकों ने एक दिन पहले किचन की खिड़की के रास्ते फरार होने में पाई थी सफलता। उन्होंने किचन की खिड़की का पहले जाली निकाली, उसके बाद खिड़की तोड़कर खिड़की के रास्ते एक एक करके 5 निकलकर फरार हो गए। निश्चित रूप से पुलिस ने सुहागी से जिस तरीके से 5 बच्चों को पकड़ने में कामयाबी पाई है, पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। पूरे मामले को लेकर हमने एडिशनल SP विवेक लाल से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने बच्चों के पकड़ने के मामले में लेकर हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। 5 बाल अपचारी संप्रेषण गृह से चले गए थे, उनको सुहागी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। अब कथन लेकर संप्रेषण गृह से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ पकड़े गए? ये सुहागी थाना क्षेत्र। तो सब उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी आएगा उसके अनुसार फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की। ये सब अब जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएंगे उसके बारे में।